सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज शिर्डीला येऊन साईबाबा समाधीचे दर्शन घेत माध्यान्ह आरती केली आहे. यावेळी अबू आझमी बद्दल वंदे मातरम आणि भारत माता की जय या मुद्द्यावर विचारले असता त्यांनी सामान्य मुस्लिम समाज हा नेत्यांच्या भूलथावाला बळी पडत नसल्याचे दिसून येते आणि त्यामुळेच मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या प्रांतात देखील भाजपाला बहुमत आहे. आपण देवाशिवाय माता पित्याला मानतोच ना, मग तसेच देशाला देखील मानले पाहिजे. या देशात राहायचे असेल तर भारत माता की जय आणि वंदे मातरम म्हणावे लागेल असे सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति ने अपना अपना मजहब का जो पूजा पद्धति है उसको मेंटेन करते हुए हम रिस्पेक्ट देते हैं कि कोई मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ता है, कोई चर्च में जाता है प्रार्थना करता है, तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए. लेकिन अपने अपने मजहब की उपासना पद्धति को मेंटेन करते हुए इस देश से निष्ठा रखनी ही पड़ेगी, इस देश के मिट्टी से निष्ठा रखनी ही पड़ेगी. इसलिए भारत माता की जय यह कहने से कोई ईश्वर की जय जयकार के वैसे हम नहीं कह रहे ना, तो भारत माता की जय कहना पड़ेगा. वंदे मातरम तो इस मातृभूमि को वंदन करना है. इसमें आपत्ति क्या है मुझे ध्यान में नहीं आता. हर वक्त हमारे धर्म में सिर्फ अल्लाह के सिवा हम मानते नहीं. हाँ, उनका कहना है, उनका स्टेटमेंट है, अल्लाह के सिवा हम किसको मानते नहीं. अल्लाह के सिवा माँ को मानते कि नहीं, अल्लाह के सिवा पिता को मानते कि नहीं, अल्लाह के सिवा पत्नी को मानते कि नहीं, बेटे को मानते कि नहीं, तो अल्लाह के सिवा मातृभूमि को मानो. ये हमेशा झगड़ा करके मुस्लिम समाज में लोकप्रियता बढ़ाने का काम है. लेकिन मुस्लिम समाज का सामान्य व्यक्ति अब बहुत होशियार बना है कि नेताओं की नेतागिरी से वो प्रभावित नहीं होता. इसलिए तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद भी बीजेपी के थम्पिंग एमएलए आए, क्योंकि मुस्लिम समाज ने अब निश्चय किया है और वो कन्विंस है कि मोदी सरकार ही उनका भला कर सकती है. मोदी समाज ने मुस्लिम समाज की महिलाओं की समस्याओं को हाथ लगाया, किसी ने आज तक साहस नहीं किया. इसलिए इन नेताओं को भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि अब सामान्य मुस्लिम उस प्रकार के भड़काऊ भाषणों से भड़कता नहीं, उन्होंने ध्यान में लेना चाहिए. इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना पड़ेगा. कानून से ये होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा मैं कानून में नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है कि ये समझने की बात है. और ये क्यों नहीं समझ रहे ये मुझे ध्यान में नहीं आता.